नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभौर। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM। जी हां, 7 दिन में तंबाकू छोड़ें। हम एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप तंबाकू का सेवन छोड़ सकते हैं, वो भी मात्र 7 दिनों के अंदर में। इस कार्यक्रम के तहत हम एक से बढ़कर एक धुरंधरों को ला रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अपने इस फील्ड में, जिसमें वो नशा मुक्ति और किस तरीके से तंबाकू को छोड़ा जाए उसके गुर सिखा रहे हैं। आपको बता दें कि धूम्रपान करने वालों में जो तंबाकू के खतरों से अवगत हैं उनमें से अधिकांश छोड़ना चाहते हैं। परामर्श और दवा एक तंबाकू उपयोगकर्ता के सफलतापूर्वक छोड़ने की संभावना को 2 गुना से अधिक कर सकती है। हालांकि वर्तमान में केवल 23 देश तंबाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ने में सहायता करने के लिए पूर्ण या आंशिक लागत कवरेज के साथ व्यापक समाप्ति सेवाएं प्रदान करते हैं, यह दुनिया की आबादी का सिर्फ 32% है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम नो टोबैको डे सेलिब्रेट करें। और हम बात कर रहे हैं तंबाकू पर। 31 मई को हर साल हम नो टोबैको डे मनाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इस टोबैको के इस्तेमाल और इसके प्रभाव और कितना विनाशकारी हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ललित रंजन पाठक जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टरेट में एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब करते हैं। गैर संचारी रोग कार्यक्रम विभाग है झारखंड सरकार के, और बहुत लंबा अनुभव रहा है उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में। 1990 से लगातार सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी कई सारे सेमिनार्स को इन्होंने अटेंड किया है और उनमें अपनी सेवाएं दी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM में। नमस्कार संभव जी। सर, ये जो वर्ल्ड टोबैको डे है, ये जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं और तंबाकू के ऊपर जो चर्चा होती है, सर इसको किस तरीके से लेते हैं, कितना जरूरी है ये? देखिए, ये सही है कि किसी भी तरह का नशा, वो चाहे निकोटीन का हो, अल्कोहल का हो, या किसी भी तरह का नशा शरीर के लिए हानिकारक है ही। इसके कई तरह के दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। और चूंकि मैं यहाँ पे राज्य नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ हूँ और इसको मैं देखता हूँ, तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं और इसके रोकथाम के लिए मैं राज्य में कार्य करता हूँ। बिल्कुल सर। सर, किसी भी चीज को छोड़ने या उसकी जो बुरी चीजों को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य पर हमारा कितना असर पड़ता है। तो सर, तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, इसके तो कई दुष्परिणाम है। मैं इसको 2 भाग में बांट सकता हूँ, जैसे जो अल्पकालिक प्रभाव है और कुछ दीर्घकालिक प्रभाव है। जी। जैसे जैसे अल्पकालिक प्रभाव में लोगों को दमा हो सकता है, लगातार स्मोक करने या तंबाकू चबाने से दांतों पे असर पड़ सकता है, मसूड़े की बीमारी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ, सांस में बदबू, ये सब तो सामान्य चीजें हैं। इसके अलावा जो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनमें आपका शरीर के किसी भी भाग में इसका असर हो सकता है। अगर हम शुरू करें ऊपर से, तो आंखों में मोतियाबिंद, मुंह का, गला का, श्वास नली का, फेफड़े का, पेट का, ये सबका कैंसर हो सकता है। इसके कारण, स्मोकिंग के कारण टीबी की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। इसका हृदय पे हृदयघात की संभावना, ब्लड वेसल से संबंधित जितने भी रोग हैं, हाइपरटेंशन, गुर्दे की बीमारी, मधुमेह, अगर महिलाएं गर्भावस्था के दौरान तंबाकू का सेवन करती हैं तो कम वजन के शिशु का जन्म होता है, फेफड़ों में असर होता है तो सांस लेने में परेशानी होती है, और पुरुषों में ये नपुंसकता और प्रजनन शक्ति की कमी भी ला सकता है। तो बहुत कुप्रभाव पड़ते हैं शरीर पे तंबाकू के उपयोग से। ये तंबाकू के इस्तेमाल के बाद डॉक्टर पाठक हमें ये जानना चाहते हैं कि अगर हम आज के समय में तंबाकू को छोड़ देते हैं तो कितने समय के बाद हमारा शरीर सामान्य स्थिति में आता है? देखिए, अगर सच कहूं तो 15-20 मिनट के अंदर उसका असर शुरू हो जाता है, उसका मतलब सुधार आना शुरू हो जाता है। अगर सीक्वेंस के रूप में बताऊं तो मतलब 20 मिनट के अंदर आपका रक्तचाप,
हृदय की धड़कन ये सामान्य हो जाती है। ओके। लगभग 8 घंटे में खून से निकोटीन कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर लगभग आधा हो जाता है और आपके ऑक्सीजन का स्तर सामान्य हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आपका शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग गायब हो जाता है। फेफड़े से लगभग सभी प्रकार के गंदगी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। दिल की का दौरा पड़ने का संभावना कम हो जाता है। और लगभग 48 घंटे यानी 2 दिनों में शरीर से आपका निकोटीन लगभग समाप्त हो जाता है। स्वाद व गंध महसूस करने लगते हैं। उसकी क्षमता आपकी बढ़ जाती है जी। और लगभग 3 दिनों के अंदर से 72 घंटे में आपको सांस लेना आसान हो जाता है। शरीर के स्वस्थ तंत्रिका और तंत्र संबंधी जो नसें हैं वो सामान्य रूप से क्रियाशील हो जाती हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है जी। आपका 2 से लगभग 12 सप्ताह के अंदर खून के बहाव में सुधार आ जाता है। फेफड़ों की कार्यशीलता 30% अधिक हो जाती है। और इस तरह से देखेंगे कि लगभग 3 से 9 माह में खांसी श्वास संबंधी परेशानी सब ठीक हो जाता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच आपका हृदय घात का संभावना जो है ये कम हो जाता है। लकवा का संभावना कम हो जाता है। कैंसर का जो होने का जो संभावना है वो लगभग आधा रह जाता है। तो इस तरह करके मतलब काफी बेहतर होता चला जाता है। आप देखेंगे कि 15 साल के अंदर तो आपका जो दिल के दौरे के पड़ने की संभावना है वो इतनी कम हो जाती है जैसा कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके बराबर हो जाता है जी। नॉन स्मोकर्स में जितनी संभावना है वो आपका 15 साल में वो अटेन कर लेता है। बिल्कुल। और ये जो सुधार है ये तभी शुरू हो सकते हैं जिस समय से हम तंबाकू छोड़ दें। और तंबाकू छोड़ने का मतलब है स्मोकिंग करना छोड़ दें या गुटखा खाना छोड़ दें, किसी भी रूप में हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जी जी, किसी भी तरह का तंबाकू या उसके उत्पाद को उपयोग ना करें। सर, अगर घातक बीमारियों की बात की जाए, क्रिटिकल इलनेस की बात की जाए, तो सर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू से ही होती हैं ज्यादातर, या उनके होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले चूंकि आप अगर स्मोकलेस चबाने वाले तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं जी, या तो आपका मुंह पे असर पड़ता है, मुंह के कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और इसोफेगस जो हमारे खाने की नली है उसका कैंसर होने का संभावना अधिक होता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो फेफड़े का लंग्स का होता है असर। उसके अलावा जो उसका ब्लड प्रेशर पे जो प्रभाव है उसके कारण कार्डियक प्रॉब्लम्स तरह तरह के हो सकते हैं हृदय से संबंधित जी। और उसके अलावा तो मैंने बताया कि इसका हर ऑर्गन पे स्टार्टिंग फ्रॉम आईज टू किडनीज टू इम्पोटेंसी किसी भी तरह का ये हर तरह का प्रभाव ये छोड़ता है। बिल्कुल। इससे एक बात साफ निकल के आ रही है डॉक्टर पाठक, अगर मैं गलत ना हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि तंबाकू सेवन किसी न किसी रूप में आपको शरीर के कई सारे अंगों को प्रभावित करता है, या फिर अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज है आपको पहले से, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां अगर आपको लग गई हैं या नहीं लगी हैं, तो लगने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है इस तरह के नशा। जी जी सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते सर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि हमारे लिसनर्स को आप क्या संदेश देना चाहें। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक कहावत मुझे बहुत पसंद है, टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी फॉर इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें क्योंकि यही एक जगह है आपके रहने के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए तंबाकू छोड़ें और जिंदगी चुनें। बिल्कुल, तंबाकू छोड़ें और जिंदगी चुनें। और एक बहुत बड़ी बात कही सर ने कि ये एक शरीर ही अपना एक ऐसी जगह है जहां रहने के लिए सिर्फ एकमात्र जगह ऐसी है जहां, इसलिए बुरी आदतें छोड़कर इस शरीर को मंदिर की तरह स्वस्थ, साफ और सुरक्षित रखें। सर डॉक्टर ललित रंजन पाठक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें बता रहे हैं तंबाकू के फायदे और उसके नुकसान। फायदा तो कोई दिखाई नहीं देता, नुकसान ही नुकसान दिखता है। सब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार संभव जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तंबाकू एक ऐसा लत है जिसको छोड़ पाना बेहद कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपकी मजबूत इच्छा शक्ति हो और आपके सामने कोई मिसाल हो तो आप उस मिसाल को फॉलो करके तंबाकू को पूरी तरीके से ना कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसी मिसाल को लेकर के आ रहे हैं हमारे साथी आशीष,
तो आइए सुनते हैं आशीष को, जो कि बात कर रहे हैं कि ऐसे ही शख्स से जिन्होंने अपनी जिंदगी में तंबाकू को छोड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। शो चल रहा है तंबाकू छोड़े 7 दिनों में, और आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं मिस्टर दिनेश, जिनके बारे में मैं आपको सीधा उनके पास लेके चलता हूँ और उन्हीं से जानता हूँ। उन्होंने तंबाकू का सेवन आज से करीब काफी साल पहले चालू किया था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से तंबाकू वो छोड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शो पे स्वागत है। हाय, मैं आशीष जी को सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उसने मुझे अपने शो पे बोलने का मौका दिया, और इसी के साथ मैं अपने रियल स्टोरी सुनाऊँगा आप लोगों को आशीष जी के साथ रह के। ओके, तो जैसा कि मैं आपसे यही सवाल रहेगा मेरा कि आपने कब तंबाकू चालू किया था लेना, ठीक है, अपने जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ उसको कब बनाया, और कब आपको लगा कि हाँ भाई इसको छोड़ देना चाहिए और ये मेरे लिए हानिकारक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ तो इसको नहीं बोला जाएगा, मतलब कि देखा जाए तो जब मैं स्कूल के लाइफ में था, वही 9-10 में मैं था, तो फ्रेंड सर्कल ऐसा मिला कि गया मैं स्कूल जाता था, लंच टाइम होता था तो जाता था, लंच टाइम में हम लोग लंच करते थे साथ में, उसके बाद में मतलब स्कूल के बाहर ऐसे खेलने वेलने जाते थे, तो उसमें ग्रुप में ऐसा 2-3 लड़का था जो नशा करता था, तो करता था तो हम लोग देखते थे, देखते देखते हम लोग को भी कभी मन किया कि करे ऐसा, तो करने का हम लोग भी कोशिश किए, लेकिन बहुत बार अपने मन को संभाले कि नहीं ये सब नहीं करना गलत है बोल के, फिर फ्रेंड वही लोग के साथ रोज रहना उठना बैठना, तो एक दिन मन कर गया बोले चलो ट्राई कर ही लेते क्या है, तो बस एक दिन ट्राई किए, और ट्राई करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या बतलाया आपको, अब एक बार करने के बाद आदमी का बोलता नहीं मन करता दोबारा करने का, तो उसी तरह हमारा भी फिर मन किया, और स्कूल लाइफ में थे ही उस टाइम पैसा वैसा का ही प्रॉब्लम नहीं होता था, घर से मिल जाता था, सोचते थे बच्चा तो पढ़ने जा रहा है, तो बस इसी तरह स्कूल लाइफ में होता था। ओके, किस प्रकार का तंबाकू आप सेवन करते थे स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में नॉर्मली जो होता है फ्रेंड सर्किल में वो खैनी उनी लाते हैं फ्रेंड लोग, तो देते थे उसी टाइप का, हल्का फुल्का वो लोग करते थे, तो मैं भी बोलता था ठीक है कर लेता हूँ, तो बस ट्राई किया एक बार दो बार, धीरे धीरे उसका लत लग गया, फिर तो करता था बस वही सिगरेट उगरेट जिसे बोलते हैं वही सब, मतलब धीरे धीरे एक छोटी सी चीज से आपने चालू किया था, बट उसके बाद जो वो बड़ी होते गई, जैसे आप बता रहे स्मोकिंग वगैरह भी आपके लाइफ में इंक्लूड होता गया, तो फिर कब ऐसा मोड आया कि आपको लगा कि अब इससे दूर हटना है, छोड़ना है इसे? देखिए, ऐसा मोड तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि मतलब स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज लाइफ में गए, तो कॉलेज लाइफ में जाने के बाद वहाँ फ्रेंड सर्किल अलग मिला, तो वहाँ जो फ्रेंड सर्किल मिला वो फिर दूसरा नशा करते थे, तो वो नशा में भी फिर देखा जाए तो फिर मिले हम लोग, धीरे धीरे नया फ्रेंड बना, उसके बाद में फिर वहाँ पे भी नशा एक दूसरे लेवल का, दूसरे लेवल का नशा होता था। वो किस प्रकार का था? वो देखा जाए तो जैसे सब नॉर्मली गांजा उंजा बोलते हैं, ड्रग्स व्रग्स बोलते हैं, ये सब होता था वहाँ में, तो वो भी मैं मतलब कि हम लोग तो उस टाइम स्कूल लाइफ से गए थे, नया फ्रेंड सर्किल था, बस देखते थे कि नहीं अब ये सब नहीं कर, मतलब नहीं करना क्या, सोचते थे कि करेंगे मौका मिले उस टाइम जनरली सबका सोच में ही रहता है कि मौका मिले जरूर करेंगे, तो वही हम लोग का भी सोचते थे टाइम कि मौका मिले तो करेंगे, तो बस ऐसे ही फिर एक दिन साथ में बैठते बैठते मिल गया मौका, ट्राई किया, तो फिर ट्राई करने के बाद तो जानते ही ये सबका आदत लग जाता है, उसी तरह उसका भी आदत लग गया धीरे धीरे। ओके, सो फाइनली आपने कब छोड़ा? छोड़ा मैंने हो गया उसका 2-3 साल छोड़ा हुआ, बट इसमें मैं इतना घुस चुका था नशा में कि आपको क्या बतलाऊँ, मतलब मैं तो इतना नहीं गया था जितना मेरे फ्रेंड लोग गए थे, प्रॉब्लम होगा फ्रेंड सर्किल में कर्जा उर्जा ये वो, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है नशा की वजह से, मतलब आप भी इस चीज़ से जूझ चुके थे? ये इस चीज़ से जूझ चुके थे, लेकिन बट जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला है इस चीज़ से। बट मैं वही जानना चाहूँगा कि हर एक इंसान का होता है एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब उसको जो है पूरे तरीके से छोड़ देना पड़ता है। हाँ, तो मैंने इस चीज़ में मतलब कि घुस चुका था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसे लगा कि ये मैं खुद के साथ ख़राब कर रहा हूँ और खुद के फैमिली के साथ भी ख़राब कर रहा हूँ, किसलिए कि ये सब में कोई लाइफ नहीं था, जो फ्रेंड सर्किल था वो लोग करता था ठीक है, वो लोग के पापा के पास पैसा था, वो लोग पैसा लेते, हम लोग उतने पैसे वाले फैमिली से नहीं थे, तो हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते थे, एफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इस चीज़ से हम लोग उनको हटना ही ठीक था, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, सोचा कि नहीं इस चीज़ से मुझे निकलना है, तो मतलब कि एक बार में अगर कोई चाहे कि आप नशा छोड़ दे तो एक बार में नशा छोड़ के आप नहीं निकल सकते, इसे धीरे धीरे ही आपको कम करना होगा, मैंने भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के धीरे धीरे करके कंट्रोल किया, उसके बाद आप आज देखिए पूरा ठीक हूँ भगवान के दया से, सब सही है।
मतलब किसी भी चीज को आप इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, वो पॉसिबल है अगर आप जब आप चाह ले, अगर आप चाह ले तो वो पॉसिबल है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे कि नहीं ये चीज मतलब कि मैं नहीं करूंगा तो ये मेरे ऐसे होगा वैसे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाह ले कि मुझे ये छोड़ना है तो वो पॉसिबल है। ओके, मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा जाते जाते, पारिवारिक जीवन में परिवार में कितना ज्यादा इफेक्टिव हो गया था? क्योंकि बोलते हैं कि एक पेशेंट हो तो पूरे परिवार में पेशेंट हो जाते हैं। परिवार में तो प्रॉब्लम होती ही है। अब जैसे मान लीजिए हम ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे पैसा तो लगे रहा, मैं तो काम नहीं करता हूँ, फैमिली है जो है, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलता? पापा ही से ना मिलता, मम्मी से मिलता है, तो मतलब कि पैसा घरे का आ रहा हो जहाँ से भी आ रहा है, उसके लिए फिर झगड़े उगड़े, उसके लिए झगड़े उगड़े ऐसे, मतलब घर में रोज के ड्रामा, पैसा चाहिए रोज 500-1000 रुपया। अब फैमिली के मतलब प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो कहाँ से लाए फैमिली भी उतना पैसा, लेकिन नशा में इतना आदि हो जाता है इंसान जो ये समझ नहीं पाता है कि फैमिली पैसा कहाँ से दे। तो मतलब फाइनली रीजन भी यही है कि किसी ना किसी प्रकार से आपको फैमिली से भिड़ना पड़ता था, पैसों को छीनना पड़ता था, फिर उसके बाद नशा आपको कंटिन्यू करना पड़ता था। सो फाइनली आपने पूरे तरीके से छोड़ दिया है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि पापा की एटीएम चोरी कर लिया, मम्मी की एटीएम चोरी कर लिया, वहाँ से पैसा निकाल लिया नशा करने के लिए, फ्रेंड फोन कर रहा है उसको पैसा देना है, मतलब कि बहुत सारा अगर देखा जाए तो नशा में बहुत प्रॉब्लम है। तो इससे जितना दूर रहिए वही ठीक है। मैंने तो अपने आप को खुद भी जैसे तैसे करके संभाल लिया, बट सबसे नहीं, मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो वो पॉसिबल है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तब पॉसिबल है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं। चलिए जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इससे जितना दूर रह सकते रहिए, और फैमिली मतलब आप अपने खुद अगर अच्छा रहेंगे तो आपका फैमिली भी अच्छा रहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अपना इन्जॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे तो अपने आप को भी आप ख़राब कर रहे, अपने फैमिली में भी को आपकी प्रॉब्लम ही आ रहा अगर देखा जाए तो इसीलिए इससे दूर ही रहेंगे जितना उतना अच्छा है। सबसे दूर रहिए, इस नशा उशा से दूर रहिए, यही सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इसी तरीके से घर पर सेफ रहें, सतर्क रहें, और तंबाकू का सेवन ना ही करें तो अच्छा है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बातें कहीं, और जो बात उन्होंने कही कि अगर आपकी खुद की इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ सकते हैं। तो तंबाकू छोड़े 7 दिनों में बस आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में और नई बातों के साथ। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।